hello students now this is the last part of the chapter cell and its organelles now i shall discuss you about the ribosomes i have already told you in the previous classes also you might have learned that ribosomes are the units of protein synthesis and they are not bounded by membrane means these are not membrane bound organelles prokaryotic ribosome when we talk about the prokaryotic ribosomes वैन वी टॉक अबाउट द प्रोकेरियोटिक राइबोजोम्स दे आर स्मॉलर एंड लेस डेंस देन दूकैरियोटिक रैबोजोम्स यानी कि ये थोड़े छोटे होते हैं और डेंसिटी इनकी कम होती है कम्पेरेटिवली टू यू कैरियोटिक रेबोजोम्स राइबोजोम्स को हम जब मेज़र करते हैं या देखते हैं किस चीज़ का बना हुआ है तो वी जनरली फाउंडेड इट इज़ कम्पोज ऑफ टू सब यूनिट्स और वह दोनों सब यूनिट ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड ए टाइप ऑफ आर और जो प्रोटीन और टाइप ऑफ आर होता है बिकॉज दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइबोजोम सो जनरली वी कॉल्ड एज द रबोजोमल आर एन ए रबोजोम जो है इसका जो डिपोजिशन है इसकी जो डेंसिटी बनाती है उसकी जो यूनिट है दूनिट इज से, सेवर्डबर्ग यूनिट इसीलिए हम बोल देते हैं सेवेंटी एस राइबोजोम जैसे आपको डायग्राम में दिखा रखा है सेवेंटी एस राइबोजूम प्रोकेरियोटिक का रायबोजूम दिखा रखा है प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास मेम्रीन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती है तो सेवनटी एस की अगर हम बात करते हैं तो वैसे अगर हम देखें सेवनटी एस तो ये बना हुआ है दो चीज़ों से एक है फिफ्टी एस राइबोजूम और दूसरा है थर्टी एस राइबोजूम अब आप ये कहेंगे सर फिफ्टी प्लस थर्टी ये तो आपका एट्टी होता है लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट सेवेंटी एस राइबोजूम दिस इज द एक्चुअली में एस यहाँ पर सेवर्डबर्ग यूनिट होती है हमने यहाँ पे मैथेमेटिक फार्मूला नहीं लगाना कि 50 प्लस थर्टी बना करके एट्टी एस होता है ये तो इसकी डेंसिटी काउंट होती है और जिसको डेवेंसिटी जो काउंट होती है वो सेवर्डबर्ग यूनिट से सेवर्डबर्ग क्या था वो एक साइंटिस्ट था और उसके बाद से उसने जब देखा था डिपोजिशंस होती हैं लेयर्स की राइबोजोम्स के ऊपर तो डोज डिपोजिशंस जो हैं वो बनाती हैं फिफ्टी एस प्लस थर्टी एस रैबोजोम्स एंड इट इक्वल्स टू ए सेवेंटी एस रैबोजोम्स नौ द फंक्शन क्या रहा है वोजोम्स का फंक्शन है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एनकोड करना एनकोड कहाँ से करना जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या होते हैं डीएनए के मैं बताता हूँ आपको एडीनोसाइन थाइमीन गुनाइन सिस्टोसिन ये सारे हमारे बेसिस होते हैं जो कि आपके पुराइंस और पेरीमिडाइंस होते हैं ये तो डी में मिलते हैं एडीनाइन थाइमीन गुनाइन एंड सिस्टोसाइन लेकिन अगर हम आर की बात करते हैं तो वहाँ पर थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है प्लस दिस द एबोजोम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस करता है या हम कहते हैं हेडिटी है यूनिट होती है जीन जो अपना एक्सप्रेशन दिखाता है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जीन दैट्स सो वाई वी ऑल्सो वी कॉल इट एज जीन एक्सप्रेशन द नेक्स्ट टॉपिक इज सीलिया एंड फ्लेजेला सीलियन फिजिला जैसा आप राइट साइड में ऊपर की तरफ अपने डायग्राम में देख रहे हैं राइट पेज पे ये एन बुक में तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा यहाँ जो डायग्राम मैं शो कर रहा हूँ इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स दिखा रखे हैं और डीज माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो हैं ये आपके दो दो के डबलेट्स में हैं ठीक है और जो दो दो के डबलेट्स में हैं तो ये आप देख सकते हैं कि टू टू का डबलेट्स हैं बुक के अंदर भी शो कर रखा है और बीच में इन ये जो दो दो डबलेट्स हैं कि आपके साइड वाले ये आपस में एक ब्रिज से ज्वाइन होते हैं और ये बीच का जो स्ट्रक्चर माइक्रोट्रिब्यूल का है इसमें दो आपको माइक्रोट्रिब्यूल शो किए हुए हैं तो ये आपका एक्जोनीम होता है दिस कोर इज नोन एज एक्जोनीम और यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रेजेंट इन द एक्जोनीम। वाइल देर इज देर आर टू टू डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूल्स दे आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी पेरीफेरी का मतलब होता है परे दूर प्रेजेंट है ये और इनके बीच में क्रॉस ब्रिज होता है अगर आप स्ट्रक्चर को थोड़ा ढंग से देखें तो आप देख सकते हैं जस्ट लुक लाइक ए व्हील एक व्हील होता है जैसे साइकिल का रिम होता है उसमें स्पोक्स होती हैं तो यहाँ पे भी स्पोक्स दिखा रखी हैं दीज आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक्स इनको रेडियल स्पोक्स बोल देते हैं और बीच में जो हब होता है जहाँ पर ये टू माइक्रो ट्यूबल्स हैं जैसे साइकिल के बीच में जहाँ चेन लगाते हैं हम तो वहाँ पर भी ऐसा ही एक हब होता है तो ये एक कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं ठीक है या आप साइकिल का जो रिम होता है उस स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं ठीक है और ये जो अरेंजमेंट होता है ये एक नाइन प्लस टू अरेंजमेंट कराता है ठीक है और ये जो माइक्रोट्यूल्स वगैरह एग्जोटीम वगैरह जो मैंने आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड करा दिए हैं ठीक है तो इस तरीके से दिखाते हैं जैसे एक हब के बीच में डब्लट के फॉर्म में है और जो आउट ए, आपका रेडियस स्पोक्स भी बताया मैंने आपको तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइन प्लस टू पैटर्न ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला दिस सीलिया एंड फ्लेजिला ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ठीक है आपने फ्लेजले का नाम सुना हुआ है तो ये मूवमेंट में हेल्पफुल करता है दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूगलिना सीलिया का आप देखें तो प्रेजेंट होता है पैरामीशियम की बॉडी पे भी होल सरफेस पे होता है यानी कि दोनों के दोनों ये आपके मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं तो ये तो आपका सीलिया एंड फ्लेजिला के बारे में मैंने बताया है अभी आता है आपके पास सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोस जब हम बोलते हैं सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोस तो सेंट्रोजोम आप ये देखेंगे बुक में भी आपको सेंट्रोजोम सेंट्रोस दिखा रखा है माइक्रोटूल्स दिखा रखे हैं तो सेंट्रोजोम ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रो टिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इसीलिए इसको हम एम टी ओ सी के नाम से जानते हैं माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइज आपका ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एंड दिस इज एन एरिया इन द सेल वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रोड्यूज यहीं पर ही माइक्रो ट्यूबूल्स आपके प्रोड्यूज होते हैं जो अभी नाइन प्लस टू के अरेंजमेंट में मैंने आपको दिखाया था पीछे सिलियारेजिला के अंदर और वेयर आर दे लोकेटेड दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाजमे जस्ट नियर टू द न्यूक्लियस एंड दे आर प्रजेंट नियर टू द न्यूक्लियस हेल्पफुल इन सेल डिविजन दैट इज साइट साइटोकाइनिस ठीक है एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटो स्कैलटन that is different cell organelles other than the main cell organelles of the body as well as they are also known as known for cell signaling system cell ke jo signals ek jagah se dusri jagah pahunchane ka kaam karte hain yani ki they pave a pathway for this for signaling the system ab इसके बारे में बात अगर करते हैं तो they are present only in animal cells but they are absent in plant cell तो centrosome और ट्रोल्स uh, की बात अगर करते हैं और प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस में कि जब भी सेंट्रोजोम सेंट्रोल्स की बात आती है तो वी कैन से डेट दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स बट आर एबसेंट इन प्लांट सेल्स ठीक है और विद इन द एनिमल सेल्स दिस सेंट्रोजोम देर इज ए पेयर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज ऑल्सो द सेंट्रियोल्स और ये सेंट्रियोल्स ईच मेड अप ऑफ अ रिंग ऑफ नाइन ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूल्स थैंक यू हैव ए नाइस डे कीप प्रिपेयरिंग